इसके एक बार मैं आपको फिलिंग दिखा देती हूँ अंदर से, वो भर भर के इन्होंने इसमें पनीर को क्रश करके डाला हुआ है। फैशन तो भाई टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि बढ़िया बढ़िया फास्ट फूड प्लेसेस मैं आज होशियारपुर की एक्सप्लोर करने वाली हूँ। इन जगहों की काफ़ी रिक्वेस्ट मुझे आ रही थी स्पेसिफिकली ट्राई करने के लिए, तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ सबके फेवरेट बॉटम हॉट पे। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बहुत टेस्टी मिलती हैं, उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी भी फेवरेट है जो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अभी जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मैं हर संडे और थर्सडे को नई वीडियोज़ डालती हूँ उनके देखने के लिए, आपको नई नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। साथ ही में मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस वीडियो को एडवांस में जाके लाइक कर दो। चलिए बिना किसी देर के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैंने ले ली है हॉटम हॉट से अपनी फेवरेट डिश विच इज़ क्रीम भल्ला। इसमें ये क्रीम और दही के कुछ तो प्रेपरेशन करके उसमें आपको भल्ले डाल के देते हैं बहुत सारे स्पाइसेस एंड चटनी वगैरह के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है मुझे। आज मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ, तो आ जाओ आपको मैं दिखाती हूँ। देखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आम दो आपको बड़े ह्यूज से भल्ले मिल जाएंगे, इन साइज़ देखो आप भल्लों का ज़रा, और साथ में आपको काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में दही मिल जाती है। इसमें ये क्रीम डालते हैं, बहुत ज़्यादा क्रीमी सा इसका टेस्ट आता है उसी वजह से। एंड इसको इन्होंने चटनी से और काफ़ी सारे बीट रूट टमेटोज और जिंजर वगैरह से सर्व करा है टॉप करके, तो देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसकी एक बाइट लूँगी मैं, एकदम ठंडी ठंडी दही है, तो लेट्स टेक अ बाइट ऑफ दिस। चटनी लेंगे, एकदम ही आइसी कोल्ड ठंडी ठंडी, गर्मियों में तो बहुत ही अच्छी लगती है। साथ में ऊपर से एकदम ही क्रंची वाली जो बूंदी होती है वो डाली हुई है, एंड भल्ले इतने सॉफ्ट है कि मैं क्या बताऊँ, एकदम ही मुंह में जाके मेल्ट हो जाते हैं। मतलब मैंने काफ़ी जगहों पे दही भल्ले या क्रीम भल्ले ट्राई करे हुए हैं, बट मुझे स्पेसिफिकली इनके ही अच्छे लगते हैं। इनके जो दही है एकदम ज़्यादा मीठी नहीं होती, हल्की मीठी होती है। साथ में इसमें ये जो क्रीम वगैरह डालते हैं ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रीमी एक टेस्ट आता है दही का, बहुत टेस्टी लगती है। मतलब ये ऐसी चीज़ है ना, आप एक बार खा लोगे तो खाते ही जाओगे, इतनी टेस्टी है। तो मैं तो इसकी दूसरी बाइट लेने वाली हूँ। इसमें चटनी भी ज़्यादा नहीं डालती तो ज़्यादा खट्टी नहीं लगती, इट्स ऑन द स्वीटर साइड, मुझे तो बहुत पसंद है। ₹70 इसका प्राइस है। हॉटम हॉट की मैं आपको बाहर की एक क्लिप दिखा दूंगी, वैसे तो सबको ही पता है कि ये कहाँ पे है, होशियारपुर में बहुत फेमस है ये, शिमला पहाड़ी चौक पे ये पड़ता है। न्यू डीलक्स बेकर्स अगर आए हो तो आपको इजीली मिल जाएगा। इसके बिल्कुल ही सामने मैडम का शोरूम है, तो आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हो शिमला पहाड़ी चौक पे। अगेन इसका जो एड्रेस है वो इसकी वीडियो क्लिप में आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ की इनका क्रीम भल्ला तो ज़रूर से ट्राई करना। उसी के साथ मैंने एक और चीज़ ले ली है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। तो अभी क्रीम भल्ले को करते हैं साइड पर, इसको बाद में खाएंगे। इसी के साथ मैंने ऑर्डर कर लिए हैं अपने चीज़ नान विद ग्रेवी, इसको भी मैं ट्राई करने वाली हूँ। आपको इसमें एक चीज़ नान मिलेगा जिसको इन्होंने 4 पीसेज में कट करके दिया है, बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेकी नान है। एंड साथ में आपको मिल जाएगी एक टमेटो बेस्ड ग्रेवी। भाई मुझे चीज़ नान और ग्रेवी का कॉम्बिनेशन ना एकदम ही मस्त लगता है। अगर आपको चीज़ नान के साथ ग्रेवी खाना पसंद है ना, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ऐसे करते सबसे पहले इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। थोड़ी सी हम इसमें ग्रेवी डाल लेते हैं। भाई ग्रेवी में काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडियन स्पाइसेस इन्होंने डाले हुए हैं। एंड साथ में हम ले लेते हैं एक चीज़ नान, बहुत ही गर्मा गर्म और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, एज यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नान है। बहुत गर्मा गर्म है एकदम, थोड़े से अनियंस एंड थोड़ी सी ग्रेवी। लेट्स ट्राई दिस। नान एकदम ही सॉफ्ट है, बट बिल्कुल भी ऐसे चुई नहीं है कि आपको बहुत देर तक चबाना पड़ेगा, जैसे मैदे के नान होते हैं वैसा नहीं है। बहुत सॉफ्ट है बट बहुत ही मेल्ट इन माउथ है। जो ग्रेवी है वो ज़्यादा टमेटो ही नहीं है, विच आई लाइक, बहुत ही सटल सा टेस्ट है, बट इंडियन स्पाइसेस का लाइक इलायची वगैरह का, दालचीनी का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें। एक बार मैं आपको फिलिंग दिखा देती हूँ अंदर से,
ये देखो भर भर के इन्होंने इसमें पनीर को क्रश करके डाला हुआ है, थोड़ा सा मुझे कोरिएंडर एंड हरी मिर्च भी दिख रहे हैं, तो भाई पनीर की क्वांटिटी अच्छी खासी है। जो ग्रेवी है वो तो बहुत ही टेस्टी है, ग्रेवी भी टेस्ट करके देख लेते हैं अलग से। ग्रेवी को देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगी, बट इट्स नॉट, बहुत सही फ्लेवर्स है इसकी, एकदम ही गर्मा गर्म ग्रेवी है। टमेटो की क्वांटिटी बहुत ही सही है, बहुत ही टेस्टी है। तो आप यहाँ आके इनका क्रीम भरना तो डेफिनेटली ट्राई करना, उसके साथ आप चीज़ नान भी ले सकते हो। कुछ और ट्राई करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर बताना, मैं वो भी ट्राई करूँगी दोबारा आके। फिलहाल के लिए ये दो चीज़ें तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, थम्स अप फ्रॉम माय साइड। तो भाई आज की जो नेक्स्ट जगह हम आ गए हैं, दैट इज़ दिनेश फास्ट फूड, बहुत ही फेमस है भाई होशियारपुर में, स्ट्रीट फूड इनका बहुत ज़्यादा भीड़ लगा के बिकता है। तो मैंने इनसे ले लिया है एक बर्गर, अपना बिल्कुल ही देसी स्टाइल नूडल वाला बर्गर। तो इनका मैं एड्रेस एक बार आपको बता देती हूँ, दिनेश फास्ट फूड की जो स्टॉल है वो आपको मिलेगी फगवाड़ा चौक पे। अगर आप इंगोली स्वीट्स आए हो तो आप इसको इजीली ढूंढ सकते हो, योगी फ्लेक्स के ये बिल्कुल सामने है। आज फाइनली इनका बर्गर ट्राई करना चाहिए, तो आ जाओ इनका बर्गर ट्राई करते हैं। देखने में भाई बिल्कुल ही देसी बर्गर है, नूडल्स डाले हुए हैं भैया ने, टिक्की डाली हुई है फ्राई करी हुई, साथ में आपको प्याज और खीरे वगैरह मिल जाएंगे और बहुत सारी मेयोनीज और कोल्सलॉ मिल जाएगा। इसमें भैया भर भर के नूडल्स और कोल्सलॉ डाल रहे थे, तो और इसके साथ आपको पनीर का भी एक पीस मिलेगा। तो 30 रुपीज़ में आपको पनीर वाला बर्गर मिल रहा है, तो और तो क्या ही चाहिए। तो इसको भी ट्राई करके देखते हैं भाई, बहुत ज़्यादा ह्यूज है, लेट्स ट्राई दिस। बन को ना भैया ने अच्छे से टोस्ट कर दिया ऑयल में, इतना बन बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गया, तो वो अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी सॉगी नहीं लग रहा। उसी के साथ टिक्की भी एकदम ही डीप फ्राई करी हुई है, वो भी बहुत क्रिस्पी है। इसमें थोड़ा सा ना खट्टा फ्लेवर आ रहा है, जैसे इसमें अमचूर वगैरह कुछ तो डाला है, जैसे चाट मसाला उसका फ्लेवर आ रहा है। नूडल्स का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो इसकी एक और बाइट लूँगी। इसमें आप लेयर्स देखो, इसमें आपको एक पनीर का पीस भी मिल जाएगा, एज यू कैन सी ये पनीर है, एंड इसमें काफ़ी सारे भैया ने भर भर के नूडल्स डाले हैं। एंड देखो आप बन को कितने अच्छे से टोस्ट करा है भैया ने। एक और बाइट भी लेते हैं, वो पनीर को खा के देखते हैं। बहुत ही टेस्टी है, इसमें खट्टा खट्टा फ्लेवर बहुत अच्छा लग रहा है, एंड पनीर भी डाला हुआ है, टिक्की बहुत ही क्रिस्पी है, नूडल्स का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। भाई जो हमारे देसी बर्गर है ना, इनको बर्गर किंग या मैकडॉनल्ड्स का भी मैच कर ही नहीं सकते, इनका टेस्ट अलग ही होता है। आपको एकदम ही कुछ फ्लेवरफुल और मसालेदार खाने की क्रेविंग होती है ना, तो आपको डेफिनेटली ये बर्गर ट्राई करना चाहिए। इसका प्राइस है 30 रुपीज़, बहुत ही टेस्टी है, कम्प्लीटली वर्थ इट। तो भाई आज की जो लास्ट जगह हम आ गए हैं वो है अगेन सबकी फेवरेट, एंड दैट इज़ रॉयल स्ट्रीट फूड। ये ज्ञानी कॉर्नर है ना, बहुत ही फेमस है होशियारपुर में, उसके सामने बेसिकली एक स्टॉल लगता है रॉयल स्ट्रीट फूड का, वहाँ मैं आ गई हूँ। तो यहाँ की एक वीडियो क्लिप अगेन आपको मिल जाएगी, एंड यहाँ का भी चीज़ कॉर्न रोल जो है ना वो स्पेशली बहुत ही फेमस है, तो मैंने सोचा आज वो भी ट्राई कर ही लेते हैं। एंड मैं आपको बता देती हूँ इसका एड्रेस, अगर आप विशाल मेगा मार्ट आए हो सिटी सेंटर, तो उसके बिल्कुल साथ में ही ये बाहर वाली साइड पड़ता है। इसके सामने ही एक पार्क भी है, आपको वीडियो क्लिप पूरी मिल जाएगी, ईजिली आप इसको फाइंड कर सकते हो। सो हियर इज़ माई प्लेट ऑफ चीज़ कॉर्न रोल, और ये देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, फुल प्लेट चीज़ कॉर्न रोल। इसमें आपको अच्छे खासे 12 पीसेज मिल जाते हैं, इसके साथ आपको मिल जाएंगे कुछ फ्राइड नूडल्स, मेयोनीज, रेड सॉस, एंड साथ में आपको मिल जाएगी ग्रीन चटनी, जो मिंट और दही की चटनी होती है वो मिल जाएगी, मुझे वही लग रही है ये। तो इसमें आप पहले तो देखो भी क्रिस्पी कितने हैं ये, इसमें इन्होंने बाहर से ना ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके इसको क्रिस्पी करा हुआ है एकदम। एंड इसमें मेरे को स्पेसिफिकली कॉर्न्स काफ़ी सारे दिख रहे हैं, कैरेट्स काफ़ी सारे दिख रहे हैं, पनीर भी काफ़ी क्वांटिटी में डाला हुआ है। तो इसको भी ट्राई करके देखते हैं भाई, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसको मैं लूँगी ग्रीन चटनी के साथ, मुझे ग्रीन चटनी के साथ खाना अच्छा लगता है, मैं इसी के साथ ट्राई करूँगी, लेट्स ट्राई दिस। और भर भर के कॉर्न्स डाले हुए हैं, साथ में इसमें कैप्सिकम भी है, उसका क्रंच काफ़ी अच्छा लग रहा है, पनीर भी काफ़ी क्वांटिटी में डाला हुआ है, एंड क्रिस्पी तो ये इतने ज़्यादा है ना, इसका ASMR हो सकता है, अगेन बहुत ही क्रिस्पी है, ब्रेड क्रम्स की कोटिंग की वजह से ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो गए हैं, तो बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। साथ में फ्राइड नूडल्स एंड सैलड तो आपको मिल ही जाएगा, तो थोड़ा सा इसको मेयोनीज के साथ भी ट्राई करके देख लेते हैं, वैसे ग्रीन चटनी के साथ ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट चलो मेयोनीज के साथ भी इसको ट्राई करके देख लेते हैं। पता नहीं आपको वीडियो में इसका क्रंच सुनाई दे रहा होगा या नहीं, बट ये बहुत ही क्रिस्पी है, तो बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, कॉर्न्स बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं। ये रेड चटनी मुझे काफ़ी स्पाइसी लग रही है, तो मैं थोड़ी लगाऊंगी,
रेड चटनी स्पाइस लवर्स के लिए है, मुझे तो ग्रीन चटनी ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ आके इनके चीज़ कॉर्न रोल्स आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। 80 रुपीज़ इसका प्राइस है, फुल प्लेट का, क्वांटिटी बहुत सही है, दो जन इसको आराम से खा सकते हैं। अगर आपको स्वीट कॉर्न्स अच्छे लगते हैं ना, देन लेट मी टेल यू, आपको ये बहुत पसंद आएंगे, बहुत ही टेस्टी हैं, हाईली रिकमेंडेड। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। दिस वीडियो कम्स टू एन एंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, जिसको खाना पीना बहुत पसंद है। उसी के साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आज की वीडियो में सबसे ज़्यादा फेवरेट आपका कौन सा फूड आइटम था। तो इसी के साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लेना। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।